कांग्रेस जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ जहां प्रदेश के अंदर विकास किया है और आज वही लड़ाई जो है वो इन वाई इलेक्शंस में जो है वो लड़ने जा रही है। और इससे पहले भी कांग्रेस जो पिछले वाई इलेक्शन हुए थे उसको सेमीफाइनल कहती थी और वो दोनों सीटें जीतने का दावा करती थी, लेकिन दोनों सीटें हारी। उसके बाद फिर जब नगर परिषदों के, नगर निकायों के, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इस पर जो चुनावी मुद्दा रहा प्रमुखता से वो विकास रहा कि चार वर्षों के अंदर जो विकास हुआ है प्रदेश की जनता जो है उसके ऊपर मोहर लगाएगी। चारों के चारों जो वाई इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं ना कहीं जब बंटवारा हुआ उसमें पार्टी में कई जगह जो है वो विरोध सामने आया, तो क्या मानते हैं कि इससे कुछ पार्टी को नुकसान होगा या उसको कवर अप कर लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के ऊपर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से लोकतंत्र पर विश्वास, लोकतंत्रीय मान्यताओं के ऊपर विश्वास रखती है और जो हमारी चुनाव समिति तय करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जहां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर हमारे पास बड़ा नेतृत्व हमारे पास है और वो सब लोग जो है वो टिकट अगर उसमें मांगते हैं तो टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन बाकी सब लोग जो है वो उनके साथ मिलकर के जो है वो चुनाव में निकलते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा मुद्दा जो है वो टिकट आवंटन जो है वो नहीं रहा। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को इस बात से जहाँ परिचित भी है कि जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ते हैं तो देश के अंदर निश्चित रूप से जो है वो बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल्स के रेट्स कम होते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो रेट कम हो जाते हैं। कांग्रेस इसको प्रदेश के अंदर मुद्दा बना रही है। हमने उनको, हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि साथ लगती हमारी उनकी पंजाब की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वहाँ पर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से 5 रुपये जो है वो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के जो है वो भाव है। जबकि जब किसानों की उपज के भाव बढ़ते हैं, अगर मार्केट में शॉर्टेज के कारण या किसान को जो है वो अच्छा मटर का रेट मिलता है, आलू का मिलता है और प्याज का मिलता है, तो कांग्रेस को महंगाई लगती है। क्यों? क्योंकि गरीब किसान की जेब में जो है वो पैसा जाता है, जबकि अन्य जो चीज़ें हैं उनके भाव बढ़ते हैं। जो हम अगर देखें तो जो हमारी जो यूज़ करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उस अनुपात में जो है वो किसानों के भाव जो है वो नहीं बढ़ते, लेकिन आज भी कांग्रेस गरीब किसान के पक्ष में नहीं बल्कि कांग्रेस जो है वो मल्टी नेशनल के साथ जो है वो खड़ी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां सब्सिडाइज हम राशन जनता को दे रहे हैं, सब्सिडाइज रूप से जो है वो ऑडिबल्स ऑयल जो है वो जनता में जो है वो सरकार वितरित कर रही है, इतना बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदेश के अंदर महंगाई नहीं है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।